हाँ दोस्तों, आ जाइए, आपको परफेक्ट ब्लाउज़ कटिंग के बारे में बताते हैं। इस तरीके से हमने नीचे मार्किंग कर लिया, ब्लाउज़ हमारा बैक ओपन है तो हमने इस तरीके से मार्किंग कर लिया। 13.5 इंच हमारा लेंथ है ब्लाउज़ का, 16 इंच आर्म राउंड है तो हमने 5.5 पे मार्किंग कर लिया हूँ। ये शोल्डर का मार्किंग, ये चेस्ट का, 5 इंच हमने शोल्डर ले लिया, 9 इंच हमने चेस्ट ले लिया, 27.5 हमारा वेस्ट है, 7.5 इंच हमने इसको ले लिया, हमारे डॉट का मार्किंग है। इस तरीके से हमें सीधा मार्किंग करना है और इस तरीके से हमें यहाँ पे आर्म राउंड का मार्किंग करना है। अब आर्म राउंड को चेक कर लेंगे। 16 इंचेस हमारा आर्म राउंड है। हमारा नेक का जो ब्राड है 2.5 इंच है, नीचे हमारा नेक 10.5 है, यहाँ पे 3.5 इंच का ब्राड देना रहता है हमें। आर्म राउंड नेक ब्लाउज है, ये हमने जो डॉट की मार्किंग की है, डॉट का मार्किंग ऐसे करना है। हमारा वेस्ट 27.5, उसके बाद हम कटिंग करेंगे इसको इस तरीके से। ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है दोस्तों, तो प्रिंसेस कट कैसे बिछाना है आप देखिए इसको। इस तरीके से कटिंग करने के बाद बैक को पल्ला मार्किंग करने के बाद इसको उठा के इस तरीके से रख लें। ये हमारा शोल्डर का मार्किंग है, आर्म राउंड का 3 इंच पे मार्किंग कर लेना, 3.5 इंच पे इतना गैप देना है हमें। उसको शोल्डर का मार्किंग करने के बाद हमारा डॉट पॉइंट 10 इंचेस है, 10 नीचे का लटक जो रहता है, 13 लेंथ हमारा, 13.5 तो जो 14.5 नीचे का, 3 मार्किंग करने के बाद 3.5 इंच का हम यहाँ ब्रॉड लेंगे, 36 साइज को, यहाँ नीचे 3 इंच। अब ये शेप से हमको ये शेप में मिलाना रहता है। और उसके बाद नेक हमारा 7.5 सामने का, इस तरीके से मार्किंग करने के बाद 3 साढ़े 3 इंच का जो हिसाब से आपको सेट हो उस हिसाब से ब्रॉड रख लीजिए नेक का। ये हमारा फ्रंट पीस रेडी है। इस तरह कटिंग करने के बाद अब प्रिंसेस का पैनल कैसे निकालना है वो बताते हैं आपको। ये कचका मारने के बाद इसको हम पीस को रिवर्स करके ऐसा रख देंगे यहाँ पे। हमें सेंटर से स्टार्ट करना है और साइड में मिला देना है, फिर हमें सीधा कटिंग कर लेना है इसको, हमारा जितना चेस्ट के हिसाब से उसको निकाल। इस तरीके से हमें सीधा करके पीस, इस तरीके से मार्किंग करने के बाद ये आर्म राउंड का हमने मार्किंग कर लिया। अब यहाँ पर हम इसको शेप देंगे थोड़ा आधा इंच से। अभी हमारा साइड पैनल रेडी है, अब इसको हम सामने का हाला काटेंगे। बैक को बिछा लिया हमने, फिर फ्रंट पीस को रख लिया सामने इस तरीके से। पैनल को उठा के सेंटर पे हमको मिलाना है, सेंटर की लाइन से हमें एकदम स्ट्रेट मिलाना है इसको, और नीचे के हिस्से को ऊपर ड्राइंग कर लेना है, हमको मार्किंग कर लेना है। और ये हाले का निशान लगा के 1.5 इंच हाला छाड़ देना है सामने कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद हमें नीचे का मार्किंग करना रहे। तो दोस्तों, नीचे का मार्किंग करने के बाद हमको वेस्ट अपना जो हमारा 27.5 है वहाँ से मेजर कर लेना है। 27 पे मार्किंग करके चेस्ट के हिसाब से हमको ये मार्किंग सीधा सीधा कर लेना है। उसके बाद हमें जो पीस एक्स्ट्रा हमारा उसको काट के माइस कर लेना है साइड से, जो भी छोटा बड़ा हो रहा है उसको थोड़ा छाट लेंगे। और हम कुछ इस तरीके से सेंटर नाप के हमें ये साइड मिलाना है। ये साइड कम बहुत ज़रूरी होता है प्रिंसेस कट के लिए। और अब नेक कटिंग करते हैं कुछ इस तरीके से, एकदम परफेक्ट ब्राउन हमारा नेक का मार्किंग रहता है। ये हमारा बैक का नेक है, इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया। ये हमारा स्लीव्स है, आस्तीन लेंथ हमारा 3.5 है, उसको हम 2.5 इंच पे उतार लेंगे। ये हमारा आर्म राउंड का मार्किंग है, ये हमारा लूजिंग है, इसके हिसाब से हमें मार्किंग करके इसमें इसमें मिला देना। ये हमारा आस्तीन रेडी हो गया। 13.5 हमारा लूजिंग है, एक अच्छा मारने के बाद फ्रंट हाला इसको कटिंग कर लेना कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों, हो गया ब्लाउज तैयार। तो कैसा लगा हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज? प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।